युद्ध के दौरान भी ये सभी शेयर बहुत तेज भागेंगे। 20 रुपये से कम के ये सभी शेयर 6 महीने बाद क्या होंगे वो तो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। लेकिन 6 महीना पहले जो हम अपने आपको बताए थे, अगर 6 महीना पहले ये सब शेयर लिए हैं तो इन सब शेयरों में क्या करना है, इस स्टॉक को, इस युद्ध के दौरान सभी शेयर बहुत तेज़ भागेंगे, ये कौन सा स्टॉक है, इन सभी की ये 4 मैटर है दोस्तों। इस वीडियो में 4 टॉपिक है। एक पहला तो ये कि आपको 6 महीना पहले जो आपने लिया था और हमने जो एडवाइस किया था उसमें क्या करना है। दूसरा टॉपिक है कि युद्ध के दौरान ये सभी शेयर बहुत तेज़ भागेंगे, ये कौन कौन से स्टॉक हैं। और तीसरा इसमें कंटेंट है कि 6 महीने बाद कौन से स्टॉक, जो आपको 6 महीने पहले क्या स्थिति थे, 6 महीने बाद क्या होंगे, उसकी भी ये जिसमें जानकारी मिलेगी। और 20 रुपये से कम के ये सभी स्टॉक्स जो शेयर हैं ये क्या रंग दिखाने वाले हैं इस युद्ध के दौरान, वो भी इसमें आपको मिलेगा। तो चौथा कंटेंट ये है दोस्तों। तो 1 2 3 4 और मैया जी की जय जयकार। तो चलिए, नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को, सभी दोस्तों को, सभी हमारे व्यूअर सब्सक्राइबर को, और हृदय से बहुत बहुत प्यार, और माता रानी आपकी सभी इच्छाएं पूरी करो दोस्तों। और इस युद्ध को टालने की और इस युद्ध के दौरान सभी को सन्मति दे भगवान, सद्बुद्धि दे ताकि ये युद्ध टल जाए। पूरी दुनिया के मानव कल्याण के लिए बहुत ज़रूरी है। चले दोस्तों, ईश्वर से यही मनाना है, यही मन्नत मांगना है, क्योंकि मानव कल्याण और मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। चलिए, ये तो हम लोग सनातनी है और सनातन तो सिर्फ और सिर्फ सिखाता है मानवता का कल्याण कैसे होगा। चलिए तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, पहला स्टॉक है, एक स्पेशल इसमें वीडियो आ गया, सॉरी इसका कंटेंट आ गया, पंजाब नेशनल बैंक की बात कर लें। पंजाब नेशनल बैंक इस दौरान क्या करना है आपको, तो PNB बैंक, नेशनल पंजाब नेशनल बैंक में हमारी राय है कि जब तक ये 150 नहीं जाता है दोस्तों, तब तक खरीदते रहिए। युद्ध के दौरान भी ये स्टॉक आपको बहुत तेज़ भागेगा, और युद्ध के मैदान में जैसे गोले बारूद और मिसाइल छूटेंगे उसी तरह ये सीधे ये कितना 75 रुपये और जोड़ दीजिए, 150 के पार देगा। तो चलिए, पंजाब नेशनल बैंक का डन, फाइनल, नहीं बेचना है, ठीक है, नहीं बेचना है, नहीं बेचना है, नहीं बेचना है। अब आ जाइए दोस्तों, 26 रुपया 90 पैसा का ये स्टॉक, अभी 20 रुपया वाला नहीं आया है, क्यों घबरा रहे हैं दोस्त, इतनी जल्दी घबरा जाएंगे तो फिर कैसे होगा। 26 रुपया 90 पैसा का ये स्टॉक 230% 6 महीना पहले वाला है, जो पहला कंटेंट आपको बताए, 6 महीना पहले जिन्होंने ले रखा है और आज क्या करना है और 6 महीना बाद क्या करना है, तो आप जान लीजिए कि इसमें कभी भी 6 महीना पहले अगर लिए हैं दोस्त तो आपको वो गलती नहीं करना चाहिए जो सभी लोग करते हैं। 230% मतलब क्या, 1 रुपया का बना दिया कितना, 230% का मतलब कि 2 रुपया 30 पैसा आपको दे दिया, तो टोटल कितना हो गया, 3 रुपया 30 पैसा, मतलब कि 2 गुना से ज़्यादा, 100% में 2 गुना, 3 गुना से ज़्यादा हो गया, मतलब आपने 1 लाख लगाया तो हो गया आपका 3,30,000, ठीक है, ज़्यादा हो गया उससे। चलिए, तो 6 महीना पहले वाले इसका नाम क्या है, सुजलन एनर्जी, 6 महीना पहले वाले बेच कर निकल जाएं और फ्रेश एंट्री के लिए 32 रुपया का इंतज़ार करना है, और ये है लक्ष्मण रेखा सुजलन एनर्जी के लिए। चलिए, इसको भी डन किए, और दूसरे स्टॉक की बात कर लें। अब सुजलन एनर्जी स्थिति नाजुक है, 6 महीना वाले निकल जाएं। आइए दोस्तों, 12 रुपया 1 पैसा का स्टॉक वोडाफोन आइडिया, और जो जो हमने बोला था वही वोडाफोन आइडिया में हो रहा है। अगर आपको देखना है मेरी बात, मेरी एनालिसिस,
तो कहावत है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाण, जाके देखिए ना, बोला था कि 12 रुपये पे प्रॉफिट बुक करना, और 12 रुपये पे 2 बार प्रॉफिट बुक किए, और अभी क्या करना है वो आप जान लीजिए। 6 महीना पहले जिन्होंने लिया था 97%, मतलब डबल 100% समझ लीजिए, 6 रुपया का माल 12 रुपया हो गया। ये देखिए ना, 6 रुपया 8 पैसा का, क्या क्या हम कह रहे हैं, 6 रुपया 8 पैसा अप्रैल में। आप अप्रैल का जाकर वीडियो देखिए, वोडाफोन आइडिया, ये तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कोड है, ये दोनों में रहता है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है और NSE में भी लिस्टेड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कोड है 532822, ठीक है। वोडाफोन आइडिया, ये सभी स्टॉक्स आपको अब लेना कब है, फिर ये लेना है दोस्तों, 8 रुपया पे फिर इसको लेना है। छोड़िए ना भाई, नहीं आएगा तो क्या दिक्कत है, नहीं आए अपना तो काम बन गया ना, अपना काम बन गया, 8 रुपया आएगा तो लेंगे। मैं तो स्टॉक शेयर का बाज़ार में माल का थोड़ी कमी है, पैसा आप रखे रहिए, आ रहा है समय, जनवरी फरवरी फिर माल उठाएंगे, मत घड़े। तब वोडाफोन आइडिया भी डन, क्या करना है आप लोगों को मैं बता दिया। चलिए नेक्स्ट आइए, वोडाफोन आइडिया वही है, 6 महीना पहले, 6 महीना पहले वाले निकल जाइए आराम से, दूसरा देखिए। इस पे हमको इससे लगता है कि अब आइए दोस्तों, 1 रुपया का ये शेयर है, क्या बताएं दोस्त, 1 रुपया का ये स्टॉक, जी हाँ 1 रुपया का स्टॉक, और इसका नाम है GTL इंफ्रास्ट्रक्चर। और आप लोगों को याद होगा 2 साल पहले हम लोग कितने कमाई किए थे, 70 पैसा का स्टॉक था और 3 रुपया 20 पैसा में बेचे थे, जी हाँ लगभग 400% का, एक लाख का लगभग 5 लाख रुपया हुआ था लगभग 1.5 से 2 महीने में। और फिर वही स्थिति था, जो लोग खरीद कर रखे हैं 70 पैसा में, फिर आया था 70 पैसा दोस्तों, और 70 पैसा में आया था, और बोले 1 रुपया 30 पैसा में हम लोग बेच के निकले हैं, और फिर अगर अब तो नहीं घटेगा लेकिन थोड़ा सा चांस मिल जाए तो इसको जरूर इस पर होल्ड करके रखना है। तो चलिए GTL इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात हमने कर लिया। अब आइए दोस्तों, ये कल का है जो स्टॉक मार्केट बंद हुआ, जयप्रकाश एसोसिएट वेंचर और जयप्रकाश पावर वेंचर, जयप्रकाश एसोसिएट और जयप्रकाश पावर, आपको हमारी एक ही राय है आपको, 6 महीना पहले जिन्होंने लिया है 6 महीना पहले वाले बने रहें, होल्ड करके रखें, और फ्रेश एंट्री भी आप कीजिए जब तक कि ये स्टॉक जाता नहीं है, कितना 25 रुपया तक बने रहिए, और लगातार होल्ड कर करके ये युद्ध के दौरान भी ये स्टॉक भागेंगे तेज, ये भी जान लीजिए, हाँ युद्ध के दौरान भी। चलिए तो JP पावर, और JP पावर के बाद एक और आ गया रतन इंडिया पावर, और रतन इंडिया पावर का कोड आपको मैं बता दूं, अगर पहली बार आए हैं तो रतन इंडिया का कोड है, क्या कोड है, कोड क्या है रतन इंडिया का, कोड क्या है, किधर चला गया, आजा भाई किधर चले गए, आ गए। रतन इंडिया का कोड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है ये, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, दोनों में लिस्टेड है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कोड है 533122, ठीक है, ये आपका रतन इंडिया पावर। एक भी बेचना नहीं दोस्तों, डोंट सेल ऑफ पावर सेक्टर टू रतन इंडिया पावर, 6 रुपया 82 पैसे का, हर गिरावट में खरीद रही कीजिए, और ये ना कहना दोस्त कि हमने आपको बताया नहीं, रतन इंडिया पावर की बात हो गई डन, ठीक है। यस 6 महीना पहले वाले जो लिए हैं, अब दोस्तों एक हमारे रडार पे 78 पैसा का एक स्टॉक आया है, ये हमारे रडार पे रहेंगे, और मैं इसको लूँगा बहुत बड़ी क्वांटिटी में सोमवार को, और सोमवार को लूँगा, फिर अगले सोमवार को लूँगा, फिर अगले सोमवार, मतलब 3 सोमवार को लगातार लूँगा, और बस उसके बाद छोड़ देंगे, भूल जाएंगे कि हमने लिया है। विशागर फाइनेंशियल सर्विसेज, कोड इसका है 531025, ठीक है, 78 पैसा का स्टॉक है, आज तक ये प्रॉफिट दिया है 1850% का, 1850 मतलब कितना 18 गुना, ये स्टॉक
18 गुना अभी तक का इतिहास में दिया है और फिर आपको 18 गुना देने के लिए तैयार है। तो चलिए, रतन इंडिया के बाद विसागर फाइनेंशियल, और एक विसागर फाइनेंशियल के बाद आपको 6 महीना पहले आपको लिए हैं तो आपको इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि 70 पैसा का नहीं, सॉरी, उस समय था ये लगभग 86 पैसा का, अभी 78 पैसा है। लेते रहिए क्या दे? और एक और 78 विसागर फाइनेंशियल की बात तो हो गई दोस्तों। विसागर पॉलिटेक्स 1 रुपया का स्टॉक है दोस्तों, ये हमारे रडार पे भी है। विसागर पॉलिटेक्स ये पैनी स्टॉक से, पैनी स्टॉक में रिस्क रहता है दोस्तों, और रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। विदाउट रिक्स नो प्रॉफिट इन बिजनेस एनियर, यानी इसको या स्टॉक मार्केट हो या दुनिया का किसी भी क्षेत्र, या आपका जीवन हो या व्यापार हो, जोखिम तो उठाना पड़ेगा अगर आपको लंबा खेल और जीवन में कुछ करना है, तो जोखिम उठाना पड़ेगा। तो पैसा 1 रुपया लगाएंगे तो, और सस्ता करेंगे 5% का, 6 महीना में 5% का ये प्रॉफिट दिया है, मात्र 5% का। इसका मतलब क्या जानते हैं, धीरे धीरे पूंजी बढ़ेगा, 3-4 साल इंतज़ार कीजिए, धीरे धीरे आप भी लेते रहिए 1 रुपया स्टॉक है, क्या करना है, कुछ ना कुछ लगाते रहिए। बहुत ही इसका मार्केट कैप बहुत ही घटिया है, 27 करोड़ का मार्केट कैप है, कोई नहीं है, कुछ नहीं, 1 रुपया का स्टॉक कभी भी, ये 50 पैसा भी जा सकता है। इसको रडार पे रखिए, लेकिन इसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये स्टॉक जिस क्षेत्र में काम करता है, इसका कोड है विविधा, VVIDHA विविधा। तो ये स्टॉक पैनी स्टॉक है, हम तो लेंगे लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, ज़रूर लेंगे, आप भी इंतज़ार कीजिए, हम भी इंतज़ार करते हैं। अब आइए दोस्तों, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शंस कंपनी HCC, ये इसका हेड ऑफिस मुंबई में है और बहुत ही पुरानी कंपनी है दोस्तों। कंस्ट्रक्शन और ब्रिज, ओवर ब्रिज और पुल बनाने का इसका महारत हासिल है, जैसे कि रेलवे में इरकॉन इंटरनेशनल को हासिल है, उसी तरह इस कंस्ट्रक्शंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल इस्टेट क्षेत्र में या ब्रिज के इंजीनियरिंग में बहुत बड़ा नाम है। और ये स्टॉक हम आपको तब से बताते आ रहे हैं जब ये स्टॉक 8 रुपये से 10 रुपये था, आज भी मिट्टी से भी सस्ता है स्टॉक में, जी हाँ। और इसके लिए 32 रुपया लक्ष्मण रेखा है दोस्तों, कुछ ऐसे स्टॉक आ गए हैं कि 32 रुपया का लक्ष्मण रेखा लग गया, अगर पार किया दोस्तों तो फिर उसको क्या बताएं, नहीं कहना चाहते हैं, छोड़ दीजिए। 32 रुपया आता है तो हाँ, एक अच्छा मौका आएगा कमाई का, जिन्होंने 100 रुपया, 80 रुपया, 60 रुपया लेकर फंसे हुए हैं स्टॉक में। आ जाइए, अंतिम चल रहा है, क्षण अंतिम चल रहा है अब इस वीडियो का, बढ़िया स्थिति में चल रहा है। बकरंगी ये सर्विस सेक्टर का, NBFC सेक्टर, नॉन बैंकिंग फाइनेंस, ATM मशीन बैठना, बैंक में, बैंकों के क्षेत्र में ये काम कर रहा है और ATM के द्वारा आपके पैसे निकालने का काम कर रहा है, पैसे निकालने का मतलब आपको सुविधा दे रहा है, ये एक बहुत बड़ा नाम होने जा रहा है, घबराइए नहीं, नज़र बनाए रखें। 2000 करोड़ का मार्केट कैप जल्दी हो जाएगा इसका, तो इसमें बकरंगी बने रहिए, आने वाला समय आपका भविष्य उज्जवल है। चलिए, बकरंगी आ गया दोस्तों, 100 रुपया का स्टॉक और इसका नाम है मैंगलोर। रिलायंस को पीछे छोड़ देगा ये स्टॉक कमाई में, उसका नाम है मैंगलोर रिफाइनरी, हर गिरावट में खरीदिए, और ये मेरी अपनी राय है, और इसको पहुंचाएंगे हम दोस्तों कम से कम 500 के पार जी। चलिए, उठा लीजिए माल दबाकर, उठा लीजिए, 6 महीना पहले जिन्होंने लिया है वो भी लीजिए, और आज जो नए नए इस स्टॉक को देख रहे हैं वो भी लीजिए। BCG ब्राइटकॉम ग्रुप इंडिया लिमिटेड, लेते रहिए लेते रहिए लेते रहिए, अब लेने का समय आ गया है, तो लीजिए जितना लेना है और उठा लीजिए माल दबा कर, और रख दीजिए तिजोरी में इसको सिर्फ 1.5 महीने के लिए BCG को। और पहली बार आएँ दोस्तों तो युद्ध की ललकार, हो जा तैयार, कैसा रहेगा दुनिया के शेयर बाज़ार, 3 महीना पहले बता रहा हूँ क्या होगा भारतीय शेयर बाज़ार में, वो वीडियो ज़रूर देखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लाइक कर दीजिए दोस्तों।